एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है उसमें आप किस प्रकार से एनर्जी जो फ्लो होती है उसके बारे में आपको स्टडी करना है, किस प्रकार से जो ऊर्जा एक स्थान से एक स्पेस से दूसरे स्पेस में किस प्रकार से जाती है, आपको ये आपको देखना है। आपके सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं एनर्जी का जो डायग्राम होता है वो कैपिटल बाई के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, बाई सेप्ड होता है। इसका जो डायग्राम होता है वो कैपिटल बाई के अकॉर्डिंग होता है एनर्जी फ्लो का। और आप सुन लीजिए, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ना तो कभी खत्म होती है, ठीक है, और ना ही कभी पैदा होती है। सिर्फ क्या करती है, ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है, ये आप देख रहे हैं, जो एनर्जी है सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। मतलब जो एनर्जी होती है सिर्फ अपना स्पेस चेंज करती है, अपना स्थान बदलती है, इसलिए ये क्या है, ये ऊर्जा खत्म नहीं होती है, किसी न किसी रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी का ऊर्जा का बहना किस रूप में पहुंच गया है, अब आगे कौन से स्थान पर पहुंच गया है, इस प्रकार से वो क्या है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का जो डायग्राम बनेगा वो कैपिटल वाई के अकॉर्डिंग बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका ऊर्जा मीन्स आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये दिया ऐसे और इस प्रकार से ऊपर को जो चला गया, तो इसे कैपिटल वाई के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, तो आप देख रहे हैं जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ऐसे 1, 2, 3 को बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा पहुंच जाती है और ख़त्म नहीं होती है इस प्रकार से, इसलिए बोला जाता है कि ऊर्जा ना तो खत्म होती है, नष्ट होती है, ना ही नष्ट होती है, सिर्फ अपना स्थान चेंज करती है, ना कभी पैदा होती है ना मरती है। क्लियर है, आप देख रहे हैं इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें जो डायग्राम दिया है एनर्जी का, इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऊपर लिखा है रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम सन। तो सबसे पहले जो हमको ऊर्जा एनर्जी मिलती है वो कहाँ पे पहुँचती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो एनर्जी आप देख रहे हैं जो सन की जो रेस होती है, जो आप फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन प्लांट्स में पहुँचता है, उसको बोलेंगे आप R1 यानी कि प्रॉफिट लेवल फर्स्ट। ऊर्जा का जो लेवल होता है तो फर्स्ट लेवल किसको बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं। क्लियर है, अब ये ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, हमने आपको बताया था कि जो आपका ये जो प्रोड्यूसर है, जो आपका उत्पादक है वो ग्रीन प्लांट्स है, जो आपके जो प्रोड्यूसर है उत्पादक वो क्या है, वो ग्रीन प्लांट्स है। इन्हें कौन खाने वाले होते हैं, इनको जो हर्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं वो इनको खाते हैं। इस प्रकार से इनको जो पत्ती जो होती हैं, लीफ जो होती हैं, इनको खा लेंगे तो कुछ परसेंट एनर्जी का इनमें पहुंच जाएगा, जो शाकाहारी एनिमल्स हैं। अब मेरा तो समझ रहे होंगे सही तरीके से, तो इसको बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल सेकेंड यानी कि R2। तो कुछ ऊर्जा एनर्जी इनके पास पहुँच चुकी है, जो शाकाहारी एनिमल्स हैं। आप देख रहे हैं अब ये इनको खाने वाले कौन होते हैं, इनको खाने वाले जो होते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं, जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं वो इनको शाकाहारी एनिमल्स को खा लेते हैं। जैसे आपका जो बॉग होता है, बकरी होती है, शाकाहारी होता है, इस प्रकार से खाने वाले जो एनिमल्स हैं या आपके जो टिड्डे होते हैं वो टिड्डों को, जो मेढक होते हैं मेढक टिड्डों को खा लेते हैं, वो आपके मांसाहारी कहलाते हैं। तो इन्हें जो ये इनको खाएंगे तो ट्रॉफिक लेवल थर्ड हो जाएगा, एनर्जी फ्लो हो रही है लगातार, यहाँ से एनर्जी इसमें जा रही है, हर्बीवोरस में जा रही है, यहाँ से एनर्जी जो मांसाहारी होते हैं उनमें पहुंच रही है। इस प्रकार से अब इन्हें जो खाने वाले एनिमल्स होते हैं मीन्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं या जो ट्रॉफिक लेवल फोर में पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ, इस प्रकार से जो एनर्जी का जो रूल है वो R1, R2, R3, R4 में यानी कार्निवोरस से डिकम्पोजर्स में इस प्रकार से वो एनर्जी फ्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको इसी इसमें हमें लिख दिया है कि एनर्जी फ्लो
हाइपरट्रॉफिक लेवल, तो तरह तरह के प्रॉपर लेवल में जो सन की जो रेस होती है, जो ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। आप देख रहे हैं एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है, एनर्जी ना ही पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया इस पार्ट को, आगे देख रहे हैं। अब जब ये मरेंगे तो इनकी एनर्जी कहाँ जाएगी, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, लिखा है हीट लॉस टू आउटर स्पेस, अदर स्पेस जो आपकी पृथ्वी होती है, धरती होती है, उसमें आपकी एनर्जी ऊर्जा लॉस हो जाती है। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ पे लॉस हो गई तो यहाँ से फिर से कन्वर्ट हो जाती है ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ से पढ़ा, ऊर्जा यहाँ से गई, इन इन जो आपके प्रॉपर लेवल्स में जाकर के लॉस हो जाती है और फिर से कन्वर्ट होकर के फिर से सन में, सन के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा ना ही तो खत्म हुई है, ना ही पैदा हुई है, जहाँ से होती है वहीं से फिर हमको ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडिएशन टू आउटर स्पेस। कुछ यहाँ से ऊर्जा आउटर स्पेस में भी पहुँचती है, ठीक है ना। तो आपने देख लिया इस प्रकार से, ये आपका इम्पोर्टेंट है ऊर्जा फ्लो। तो ऊर्जा फ्लो जो होते हैं उसके दो टू पार्ट होते हैं, यानी कि दो प्रकार से ऊर्जा फ्लो होती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स। तो आपका जो फर्स्ट लॉ होता है, जो आपका फर्स्ट लॉ होता है डायनामिक्स का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ऊर्जा फ्लो का जो डायग्राम बनता है वो कैपिटल वाई के अकॉर्डिंग ही बनता है, आपने जिस प्रकार से देखा है, ठीक है ना। तो अब इसमें बात कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ थर्मो डायनामिक, ठीक है, और ये सेकंड जो उसका रूप होता है इसको बोलेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या आता है, सेकंड लॉ में थर्मो डायनामिक्स, ठीक है ना। तो इसके जो दो रूप होते हैं, थर्मो डायनामिक की पहला नियम है एनर्जी का, इसमें जो ऊर्जा होती है फिर अपना रूप धारण करती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स एक स्थान दूसरे स्थान में पहुंच जाती है। ये जो आपका सेकंड लॉ होता है इसमें ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो किसी न किसी में चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इस प्रकार से ये आपके जो दो लॉ है, जो दो नियम है फर्स्ट और सेकंड, उनको भी आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से आपका डायग्राम इस एनर्जी फ्लो में क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिंडमान, ये लिंडमान जो वैज्ञानिक है 1942 में ऊर्जा फ्लो के बारे में क्लियर कराया था, यानी कि बताया था। इस प्रकार से ये आपका जो आपका टॉपिक है एनर्जी फ्लो है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, आपने देख लिया है इस प्रकार से जिसका जो लेवल है किस प्रकार से फ्लो होती है। तो आज का टॉपिक फिनिश होता है, थैंक यू।